हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी ब्लूमर के बारे में, जिसके बारे में कुछ आपको मैं वार्निंग देना चाहता हूं, उस पर आप गौर करके डिसीजन ले सकते हो। फ्रेंड्स, अदानी ब्लूमर या और कोई शेयर में अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो उस लॉस को आप रिकवर कर सकते हो सुपर जैकपॉट शेयर बाय करके, जो कि 5 डेज में आपको 25% का प्रॉफिट दे सकता है, या जैकपॉट शेयर बाय करके कर सकते हो जो कि आपको 1 डे से 15 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। इन दोनों के चार्जेस जानने के लिए मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस होता है सुपर जैकपॉट शेयर फटाफट रिकवर करने में आपको हेल्प करता है। अदानी ब्लूमर को आप जानते होंगे, 4636 का क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को। मैंने जब इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था, जब ही आपको मैंने बता दिया था कि आने वाले दिनों में कम से कम 640 तक तो ये जाएगा ही, और उसको ब्रेक करके अभी 636 तक जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो गया तो एग्जिट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने हाई रेट में बाय किया होगा ये उम्मीद पर कि अब ये रिकवर होगा, बट अभी मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि इसने अगर 630 का लेवल तोड़ दिया तो आने वाले दिनों में ये 600 रुपीज़ तक भी जा सकता है। इसीलिए अगर ये 630 को ब्रेक करता है तो आप इसको स्टॉप लॉस हिट कर गया ये समझकर एग्जिट भी कर सकते हो। बाकी डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। जब तक ये 670 को क्रॉस नहीं करता है इसमें स्ट्रांगनेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। 670 को क्रॉस करे उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि अदानी ब्लूमर में फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बट जो हिसाब से मार्केट ऊपर जाने के बावजूद भी ये शेयर लगातार गिर रहा है, मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो 630 को ब्रेक किया तो 600 तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में। वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि अदानी ब्लूमर में बने रहना है या निकल जाना है। बट फ्रेश एंट्री करना होगा तो वेट कीजिए, स्ट्रेंथ आने दीजिए। इसमें जब रिवर्सल मार के ऊपर जाएगा जब भी बाय करना है, अभी एवरेजिंग करने की भी गलती मत करना। और दूसरी बात, अगर एकदम ही लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा 3 to 5 ईयर्स का तो आप बने रह सकते हो, या लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो थोड़े थोड़े शेयर हर गिरावट पर बाय कर सकते हो। बट 630 का लेवल तोड़ा तो 600 रुपीज़ तक भी जा सकता है, और मार्केट क्रैश हुआ तो उसके नीचे भी आने वाले दिनों में अदानी ब्लूमर का शेयर थोड़ा वीकनेस दिखाकर जा सकता है, क्योंकि इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट एवरेज आया था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें वीकनेस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, तो आप स्टडी कीजिए एंड डिसीजन लीजिए आपको अदानी ब्लूमर में क्या करना है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर्स का नजरिया होगा तो अच्छा शेयर है। थैंक यू फ्रेंड्स।